हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम बस एंड मेमोरी ट्रांसफर पढ़ने वाले हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में आपका बस एंड मेमोरी ट्रांसफर कैसे काम करता है, चलो देखते हैं। जैसे इसमें ए डिजिटल सिस्टम कंपोज ऑफ मैनी रजिस्टर्स एंड पाथ मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। द नंबर ऑफ वायर कनेक्टेड ऑल ऑफ द रजिस्टर्स विल बी एक्स्यू ऑफ सेपरेट लाइन्स आर यूज बिटवीन ईच रजिस्टर एंड ऑल अदर रजिस्टर इन द सिस्टम। जैसे इसमें आप प्रोवाइड करता है ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, ये तो सभी को पता, मेमोरी ट्रांसफर मतलब कुछ भी डाटा आपको ट्रांसफर करना वन रजिस्टर से अनदर रजिस्टर, और किसके थ्रू, नंबर ऑफ वायर के थ्रू। वो आपस में कनेक्टेड होती है और रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर हैं वो आपस में एक वायर के थ्रू कनेक्टेड होती है, और सबके पास एक सेपरेट लाइन यूज होती है। सबके पास जो रजिस्टर्स होते हैं उनके पास अलग अलग वायर से वो अपनी कनेक्टिविटी रखते हैं और रजिस्टर से। जो बस है वो आपकी ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन बिटवीन रजिस्टर्स, लेकिन ये जो बस है उसको हैंडल करना थोड़ा सा एफिशिएंट है, इजी है। ए बस कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफकॉमन लाइन वन ऑफ ईच बिट्स ऑफ रजिस्टर थ्रू विच बाइनरी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर वन एट ए टाइम। कंट्रोल सिग्नल डिटरमाइन विच रजिस्टर इज सिलेक्टेड बाय द बस डूरिंग ए पर्टिकुलर रजिस्टर ट्रांसफर। द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम शोज ए बस सिस्टम फॉर फोर रजिस्टर से। इट इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ फोर मल्टीप्लेन वन मल्टीप्लेक्सर इज हैविंग फोर डाटा इनपुट 0 through 3 एंड बी टू सिलेक्ट इनपुट एस एंड एस टू। ये जैसे आपकी फोर बस सिस्टम है, इसमें आपके फोर मल्टीप्लेक्सर यूज हुए हैं। मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं, आपके जैसे मल्टीपल इनपुट और वन आउटपुट है, इसमें आपके फोर रजिस्टर्स कनेक्टेड है, कॉमन बस कनेक्टेड है। तो ये आपकी सिग्नल्स लाइन यहाँ पर है, ये बस कनेक्टेड है, सभी से रजिस्टर कनेक्टेड है। तो देखते ये काम कैसे कर रहे हैं। We have used labor to make it more common sense of you to understand the input-output configuration of a bus system for register. For instance, output 1 of register A is connected to output 0 of MUX next 1, jaise S1, S0. 00 pass karoge to register A select hoga, 01 pass karoge to register B select hoga. S1 में 0 और S0 में 0 पास करोगे तो आपका रजिस्टर C सिलेक्ट होगा। देन आप S1 में 1 और S0 में 1 पास करोगे तो आपका रजिस्टर D सिलेक्टेड होगा। जैसे ये A है, ये रजिस्टर B है, ये C है, ये एट एक टाइम पे आपका एक ही रजिस्टर सिलेक्ट होते हैं। We have used labor to make it more common sense of you to understand the input-output configuration of a bus system for four register. For instance, output 1 of register A is connected to the output 0 of multiplexer. यहाँ पर देखिए, द टू सिलेक्शन लाइन S1 एंड S2 आर कनेक्टेड टू द सिलेक्शन इनपुट ऑफ ऑल फोर मल्टीप्लेक्सर। द सिलेक्शन लाइन्स चूज द फोर बिट्स ऑफ वन रजिस्टर एंड ट्रांसफर देम इनटू द फोर लाइन कॉमन बस। व्हेन बोथ ऑफ द सिलेक्ट लाइन आर एट लॉजिक S1 एंड S0 इक्वल टू 00, देन 0 डाटा इनपुट ऑफ ऑल फोर मल्टीप्लेक्सर आर सिलेक्टेड एंड अप्लाई टू द आउटपुट then from the bus and this in turn is the bus lines to receive the content of register A, since the output of this register are connected to the zero data input of the multiplexer. When S1 and S0 equal to 01, register B is selected and the bus line will receive the content provided by the register D. The following function table shows the register that is selected by the bus for each of the four possible binary values of the selection line. The number of multiplexer needed to construct the bus is equal to the number of bit in each register. The size of each multiplexer must be k multiplied by 1, since 8 multiplexer k data line. For instance, a common bus for 8 register of 16 bit each requires 16
multiplexer, one of each line in the bus. Each multiplexer must have 8 data input line and their selection line to multiplexer one significant bit in the 8 register. ये आपका important है. ये आपका बस register. Memory transport का topic था. ये cover हो चुका है. कुछ topic है जो आपके रह गए हैं, वो हम continue करवाएंगे. Thank you guys.